अलीगढ़ में नोकझोंक व प्रदर्शन के बीच हुआ रेणु शर्मा का पोस्टमार्टम। जेल में बंद अलीगढ़ के जवा ब्लॉक की पूर्व ब्लॉक प्रमुख रेणु शर्मा की मौत के बाद अलीगढ़ में भाजपा का विरोध होना, ब्राह्मण समाज के नेताओं के आक्रोश के बीच पोस्टमार्टम पर घंटों तक हाई वोल्टेज प्रदर्शन होता रहा। प्रशासन के द्वारा कई थानों की फोर्स को बुलाकर स्थिति काबू में करने की कोशिश की गई, लेकिन परिजनों के साथ विपक्षी दल भी सक्रिय दिखाई दिया। यही कारण है भाजपा के मौजूदा सांसद को खरी खोटी सुनने को मिली और उन्हें पोस्टमार्टम हाउस से जाना पड़ा। वहीं दूसरी ओर हाई वोल्टेज प्रदर्शन के बीच पुलिस प्रशासन परिजनों को समझाने में कामयाब रहा और मृतिका के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को जांच का आश्वासन देकर सौंप दिया गया। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ का है, जहां पर शराब कांड में मुख्य आरोपी ऋषि शर्मा की पत्नी को शराब मामले से संबंधित धाराओं में जेल भेजा गया था। साथ ही उनकी संपत्ति भी कुर्क कर ली गई थी। कल देर रात ऋषि शर्मा की पत्नी व पूर्व ब्लॉक प्रमुख रेणु शर्मा का देहांत हो गया। इलाज के दौरान हुई मौत के बाद ब्राह्मण नेता व परिजनों के द्वारा हंगामा शुरू कर दिया गया। जिला प्रशासन मृतिका की तबीयत खराब होने का दावा कर रहा था, तो वहीं परिजनों के द्वारा मृत्यु को संदिग्ध माना जा रहा था। यही कारण है ब्राह्मण समाज के नेता सहित अन्य विपक्षी पार्टी के नेता पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए। उनके द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया। मौके पर जिला प्रशासन व पुलिस के अधिकारी भी पोस्टमार्टम हाउस पर डेरा डाले रहे। वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा घंटों परिजनों व नेताओं को समझाने का प्रयास किया गया, जिसके बाद परिजन जांच की बात सुनकर मान गए और शव को लेने के लिए तैयार हो गए। वहीं दूसरी ओर भाजपा के सांसद को पूरे मामले में मुर्दाबाद के नारों का सामना करना पड़ा। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद उन्हें परिजनों को सौंप दिया गया है और जांच कर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं दूसरी ओर ब्राह्मण समाज के नेता गुड्डू पंडित के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, ब्राह्मण समाज की एक बेटी इस दुनिया में नहीं रही, उसकी हक की लड़ाई उनके द्वारा लड़ी जाएगी। उनको न्याय दिलाने का काम गुड्डू पंडित के द्वारा किया जाएगा। जांच कर दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अलीगढ़ समाचार 24। कई डिमांड की जा रही थी, सुबह से बॉडी का पीएम नहीं हो पा रहा था जी। तो क्या क्या जो उन्होंने मांग रखी थी, किस तरह से वो पीएम हुआ और कैसे मामला निपटा? जैसे आप सभी लोग अवगत हैं, एक विचाराधीन कैदी थी श्रीमती रेणु शर्मा जी, उनकी कुछ तबीयत खराब थी और दवा भी चल रही थी पहले से भी। तो डेथ होने के बाद ये पोस्टमार्टम हाउस में हम लोग सुबह से सभी पुलिस प्रशासन लगे हुए थे, परिवारजनों को समझाने की कोशिश हो रही थी। उनकी तरफ से कोर्ट में भी मामला ले जाया गया, लेकिन वहाँ से भी परमिशन न मिलने के कारण उनके घर के लोगों को छोड़ना था। तो जो भी लीगल प्रोविजन थे उसके तहत पुलिस प्रशासन तो मुस्तैद था, हर तरह से हम लोगों ने प्रयास भी किया है अपने तरफ से कि चीज़ें नॉर्मल हो जाएँ, और हुई भी। अभी पोस्टमार्टम हो गया और उनकी जो डेड बॉडी थी वो परिवार वालों को सौंप दी गई है जेल प्रशासन के द्वारा, जो भी कोर्ट के आदेश थे उसके क्रम में। तो अभी फिलहाल तो मामला, डॉक्टरों का बोर्ड बनाया गया था, कैसे किया गया इसमें? हमारे जो सीएमओ की तरफ से 3 डॉक्टर दिए गए थे और उसमें महिला, चूंकि जो मृतक थी वो महिला थी, महिला डॉक्टर भी रखा गया था। और जवाहरलाल नेहरू जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ से भी एक फोरेंसिक एक्सपर्ट और 2 डॉक्टर रखे गए थे। सब मिला के 4-5 लोगों की टीम थी। उन लोगों ने इसको सकुशल संपन्न किया वीडियोग्राफी कराते हुए। तो अब परिवार वालों को सौंप दिया गया। द्वारा कहा गया कि पूरे मामले की जांच तो किस तरह की, अब इसमें अब आगे चूंकि मामला कोर्ट के अधीन विचाराधीन है, तो जिस भी तरह के आगे की प्रोसीडिंग होगी वो माननीय जनपद न्यायाधीश और उनके जो भी जिस कोर्ट में पेंडिंग है मामला विचाराधीन है, उनके निर्देशों के क्रम में और ऊपर से भी शासन या माननीय कोर्ट से भी कोई आदेश आता है तो उसके क्रम में आगे की कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाएगी। अंतिम संस्कार सर रात को ही किया जा रहा है? अब परिवार के लोगों ने तो ये कहा है कि रात में ही करेंगे, वहाँ तैयारियाँ भी हो रही हैं। हमारे SDM और पुलिस के प्रशासन के सभी अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहेंगे और रात में ही करने के लिए परिवारजन तैयार हैं, तो उनके हिसाब से व्यवस्थित करके करवा लिया जाएगा। थैंक यू।